अब देखिए कैसे मुस्कान लौटी है यासिर जिलानी के चेहरे पर, देखिए खिलखिला रहे हैं अब, और थोड़ी देर पहले जो दावा कर रहे थे अब तो बल्कि उनका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। देखिए बोलेंगे अभी, मानक जी मैंने कहा था ना कि मेरा आंकड़ा सही है और आपका गलत है, मान लिया भाई मान लिया, आपका आंकड़ा कुछ हद तक फिलहाल सही हो रहा है, लेकिन अभी भी 128 पर है आम आदमी पार्टी। मानक जी हम सेवा करने वाले लोग हैं, हम दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, हम 123 बढ़ चुके हैं और रुझानों में इस वक्त आम आदमी पार्टी भाजपा से पीछे जा चुकी है, लेकिन हम इंतज़ार करने के लिए कहेंगे कि आप इंतज़ार करिए एक घंटा और, रिजल्ट बिल्कुल अलग आएगा। और मैं शुरू से, आप अपनी जो रिपोर्टर हैं उनसे पूछिए कि जब वो मुझे सुबह 7 बजे दिल्ली भाजपा कार्यालय में मिली थी, जो वो रिपोर्ट दिखा रही हैं कि बिल्कुल उस वक्त कोई नहीं था, मैं मौजूद था और मैंने उनसे कहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उसी दिशा में उसी व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है। यहाँ पे यासिर मुझे रोकना पड़ेगा, एक सेकंड यासिर, एक सेकंड, 140 हो गई आम आदमी पार्टी, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी हो गई 104, यानी वो जो क्लोज फाइट थी, फिलहाल एक बार फिर आम आदमी पार्टी आगे निकल गई, 140 पर पहुंच गई, 140 और बीजेपी 104। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।